आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। राज्यसभा में कांग्रेस की दो महिला सांसदों के साथ मार्शलों द्वारा जिस तरह से धक्का मुक्की कर उनका अपमान किया गया है, उसे लेकर कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। जांजगीर जिले के शिवरी नारायण स्थित अंबेडकर चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सांसद में पार्लियामेंट के अंदर जब इंश्योरेंस बिल, जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इंश्योरेंस जो आम पब्लिक अपने हित के लिए इंश्योरेंस करवाता है, ऐसे बिल को सिर्फ 50% अपने अधिकार में लेके बाकी लोगों को प्राइवेटाइज जो कर रही है सरकार, उसके विरोध में हमारे कांग्रेस के सांसदों ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो वहाँ की जो पार्लियामेंट की मार्शल है उनके साथ उन्होंने हाथापाई किया और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि एक आदिवासी महिला के साथ और एक ओबीसी की महिला के सांसद के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर किया गया है। ये नरेंद्र मोदी सरकार जो जनता की आवाज़ उठाने में पार्लियामेंट के सांसद लोग करते हैं, उनको दबाने का प्रयास और कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। जांजगीर से KSN 24 के लिए रामनगर की रिपोर्ट।